सावनी तालुका सहित नागपुर जिले के रेती घाट पिछले दो वर्षों से बंद होने के कारण रेती न मिलने से निजी निवास तथा अन्य घरों के बांधकाम पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं, जिससे घर बांधकाम करने वाले ठेकेदार मजदूर तथा सीमेंट लोहा ईंट गिट्टी सैनिटरी इलेक्ट्रिक टाइम्स प्लम्बर हार्डवेयर आदि व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित होकर भूखमरी की नौबत आ खड़ी हुई है। इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए शहर के सभी ठेकेदार मजदूर एवं दुकानदारों द्वारा घर बांधकाम ठेकेदार मजदूर संगठन स्थापन कर 5 फरवरी 2024 को तहसील कार्यालय पर भव्य मोर्चा लाकर मलिक वीरानी तहसीलदार सावनेर के मार्फत राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पालक मंत्री जिलाधिकारी आदि को रेत उपलब्ध कराने हेतु निवेदन दी। घर बांधकाम ठेकेदार मजदूर संगठन के सभी सदस्य की ओर से मंगेश पटे जितेंद्र सौदाकर समाज सेवी किशोर ढूंढेले अशोक उमाटे रुपेश पटे के नेतृत्व में 5 फरवरी को दोपहर 12 बजे हजारों की संख्या में भव्य मोर्चा निकालकर सावनी तहसील के साथ साथ नागपुर जिले के सभी रेती घाट बंद होने रेती मिलना मुश्किल हो जाने से अधिकांश निर्माण कार्य बंद पड़े हुए हैं, साथ ही अन्य विकास कार्यों पर भी इसका असर पड़ रहा है। पंतप्रधान आवास योजना के सैकड़ों लाभार्थी रेती उपलब्ध न होने से आधे अधूरे घरों तक खुले में रहने को मजबूर हो रहे हैं। एक और महाराष्ट्र शासन 650 रुपए ब्रास के हिसाब से राज्य शासन के पोर्टल द्वारा रेत उपलब्ध कराने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उक्त साइटों पर रेत उपलब्ध न होने से उक्त पोर्टल बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में लोगों को भंडारा गोंदिया से करीब 10-12 हजार रुपए प्रति ब्रास के हिसाब से महंगी रेती खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। साथ ही अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो स्थिति बद से बदतर होने की संभावना जताई है। इसलिए शहर तथा तहसील के हजारों ठेकेदार मजदूर दुकानदार प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों ने इस भव्य मोर्चे में शामिल होकर महाराष्ट्र शासन द्वारा जिलाधिकारी तथा तहसीलदार सावने से रेत उपलब्ध कराने की मांग हेतु सैकड़ों ठेकेदार मजदूरों ने मोर्चे में शामिल होकर रेत उपलब्ध करने की अपील घर बांधकाम ठेकेदार मजदूर संगठन द्वारा की गयी। अगले 15 दिनों में सावनी तहसील में रेत उपलब्ध न किए जाने पर घर बांधकाम ठेकेदार मजदूर संगठन की ओर से तीव्र आंदोलन की चेतावनी इस अवसर पर दी गई। सावनी तहसील के तहसीलदार की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार विजय कोहे ने निवेदन स्वीकार किया। वही इस भव्य मोर्चे में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना व यातायात सुचारू रखने हेतु थानेदार रविन्द्र मानकर के नेतृत्व में महिला पुलिस अधिकारी मंगला मोकाशे हवालदार सुनील तलमले सुरेंद्र वासनिक निस्तानी आदि सहित यातायात पुलिस ने परिश्रम किया। इस भव्य मोर्चे को सफल बनाने हेतु घर बांधकाम ठेकेदार मजदूर संगठन के मंगेश पटे जितेंद्र सौदाकर रुपेश पटे गोविंदा बांगड़े श्रीचंद्र उइके संदीप दोड़के सुनील मोहतुरे सुनील बनारसे नरेश गोडपोले वासु उइके विजय लाड़ गणपत बोरकर किशन टेकाम अशोक पंचेश्वर गोवर्धन महतपुरे सतीश हनवतकर चंदन धवंगाड़े संजय चौरसिया शिव कुमार लोकेश गेटपुंजे मुन्ना ठाकुर रेवाराम बिजांडे साथ ही शहर के लोहा सीमेंट हार्डवेयर प्लम्बर इलेक्ट्रिक फिटर टाइम्स फिटर आदि बड़ी सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। खरतर सावनेर परिसरामध्ये कार्यरत असलेल्या ठेकेदार आणि मजदूरांचं कौतुक करायला पाहिजे असा हा भव्य मोर्चा संपूर्ण सावनेर तालुकावासियांच्या जीवनाशी निगडीत असा हा विषय आहे। रेती बंद असल्यामुळे सावनेर तालुक्यातील हजारो हजार घरांची बांधकामे बंद आहे, तरी पण या निर्लज्ज शासनाला जाग येत नाही। प्रधानमंत्री घरकुल योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना पैसे तर मिळाले परंतु रेती मिळत नाही, त्यांच्या घराचे बांधकाम तसेच पडलेले आहे, ते उघड्यावर राहून राहिले तरी या आपल्या सत्तेच्या खेळीमध्ये व्यस्त आहे, यांना शरम वाटत नाही। मजदूरांच्या हाताला काम नाही, ठेकेदारांच्या हाताला काम नाही, सुरू असलेले प्रकल्प बंद पडलेले आहे, रेती मिळून राहिलेली आहे, ते 30,000, 35,000, 40,000 रुपयामध्ये ट्रक येऊन राहिलेला आहे। ही जी घुसखोरी चालून राहिली आहे हे सगळं शासनाला माहित नाही का? शासनाला या सगळ्या गोष्टी माहिती आहे, तरी पण शासन कुठेतरी इथे राजकारण आडवा आणून सावनेर तालुक्याला रेती उपलब्ध करून देत नाही, त्याच्यावर प्रोसेस व्हावे। आणि दुसरं कारण पोर्टलवर जी रेती मिळणार आहे, पोर्टलवर 3,500-5,000 ब्रासच्या वर स्टॉप करायची त्यांना परमिशन नाही, आणि 3,500-4,000 जे ब्रास रेती राहील ते 2 दिवसात त्याचा तुटवडा होईल, मग त्या घाटावर रेती आणू जमा करू त्याच्यानंतर येईल। तर याला रेग्युलर तिथून लाभार्थ्यांना देणे आणि घाटावर रेती जमा करणे हा एक पहिला भाग आपल्याला नियमित ठेवावा लागेल। आणि दुसरा आमचे जे जोपर्यंत सावनेर कन्हान नदीचे घाट सुरू होत नाही
तोपर्यंत मध्य प्रदेश मधून जे रेती येऊन राहिली आहे घर बांधकाम करायला ज्याच्याजवळ परमिशन आहे बांधकामाची परमिशन आहे घरकुलाची परमिशन आहे त्यांच्या रेतीला महाराष्ट्र मध्य प्रदेश मधून महाराष्ट्रात येण्याकरिता झिरो रॉयल्टीची परवानगी आपण आम्हाला तात्काळ उपलब्ध करून द्यावे माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना म्हणून सावनेर तालुका व नागपूर जिल्हा मागील 2 वर्षापासून रेती पुरवठा उपलब्ध होऊन नाही राहिलेला आहे. आपल्या सावनेरपासून अगदी 10 किलोमीटरवर कन्हान नदी आहे तिथे रेतीचा साठा पुष्कळसा उपलब्ध आहे परंतु शासनाच्या काही धोरणामुळे ती आपल्याला उपलब्ध होऊन नाही राहिलेली आहे. कुठेतरी रेतीघाट सुरू नाही आहे किंवा डेपो जे होते त्यांनी ऑनलाईन जे चालू केले होते ती पूर्ववत चालू करावी आणि आपल्या बाजूलाच मध्य प्रदेश आहे त्यातून जी रेती येते त्याला झिरो रॉयल्टी द्यावी अशी या मोर्चाची मागणी आहे. तसेच 2 वर्षापासून घरकुल बांधकामाला मंजुरा मिळाला आहे लोकांनी आपले घर पूर्ण केलेले आहे परंतु रेती येत नसल्यामुळे त्यांना कुठेतरी खुल्या घरात किंवा किरायाने राहावं लागून राहिलं याचा भूदंड त्या घरकुल लोकांना पडून राहिलेला आहे. NBC न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ठुंटेली की रिपोर्ट.